रीति काल में ही अगला प्रश्न देखिएगा, रीति मुक्त काव्य धारा की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रीति मुक्त काव्यों में हृदय की शुचिता और पावनता की ही अभिव्यक्ति हुई है। इसका मतलब यह है कि इसके काव्यों में हृदय की शुचिता, स्वच्छता और पवित्रता, पावनता से मतलब पवित्रता है, शुचिता से मतलब स्वच्छता से है। रीति मुक्त दूसरी है इसकी विशेषता, रीति मुक्त काव्यों में भावों की प्रधानता है, मतलब हृदय के भाव, प्रबल भावों को ही मुख्य रूप से प्रकट किया गया है तथा अलंकार आदि की वहाँ अतिरंजक प्रवृत्ति नहीं हुई है। इसमें अलंकारों के लिए अतिरिक्त रूप से थोपा नहीं गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रीति काल के दो प्रमुख आचार्य कवियों के नाम लिखिए एवं उनकी एक एक रचना भी लिखिए। इसके पहले कवि आचार्य कवि हैं आचार्य केशवदास, जिनकी रचना रामचंद्रिका है। दूसरे आचार्य चिंतामणि हैं, जिनकी रचना रसविलास है। रीति काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीति काव्य की, वो रीति काल की विशेषताएं थीं, ये रीति काव्य की विशेषताएं हैं। आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, रीति काव्यों में आश्रयदाता राजा जो हुआ करते थे उनकी बड़ी ही बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा हुआ करती थी। दूसरी विशेषता है श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता थी। इसमें जो भी रचनाएं होती थीं वो श्रृंगार रस में रचनाएं होती थीं तथा वीर रसपूर्ण रचनाएं होती थीं। रीति काल की कविता का प्रमुख स्वर श्रृंगार का था तथा रीति काल के कवियों ने नारी के भोग्या रूप को प्रस्तुत किया है, नारी को भोग्या रूप में ही प्रस्तुत किया है। तथा अगला प्रश्न देखिएगा, रीति के दो प्रमुख छंदों के नाम लिखिए। रीति काल में जो रचनाएं हुआ करती थीं उनके प्रमुख छंद कौन कौन से थे, उसमें दो प्रमुख छंद देखिएगा। पहला प्रमुख छंद है कवित्त और दूसरा प्रमुख छंद है सवैया। नमस्कार।